के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में पार्ट वन की छात्राओं की पंजीयन की समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव किया। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण शर्मा के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम छात्राओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। करण शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि कुछ छात्राओं का रजिस्ट्रेशन जो कि कॉलेज की गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाया था, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो है एक प्रिंसिपल के सामने उनका एक शिष्टमंडल गया और अपनी मांगों को रखा, पर प्रिंसिपल अपने पावर के नशे में चूर है और प्रिंसिपल तुरंत जो है कॉलेज छोड़कर विश्वविद्यालय भाग खड़ा हुआ, जिस कारण से जो है छात्राओं का समस्या का निदान नहीं हो पाया। तो विद्यार्थी परिषद ने जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया। उसके बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रशासनिक अधिकारी थाना के थाना अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को डराने का कार्य किया गया, पर विद्यार्थी परिषद किसी से डरने वाला नहीं और छात्र हित में आवाज़ को बुलंद करते आया और आवाज़ को बुलंद करेगा। और प्रचार ने आज 24 घंटे का समय मांगा है, हम लोग कल फिर प्रचार से मिलेंगे। अगर प्रचार उस पर जो है कोई डिसीजन नहीं देगा तो कल से एसएम कॉलेज बंद रहेगा और विद्यार्थी परिषद बंद कराने का कार्य। करण शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी।